एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको वो वीडियो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड एंड में आपको एंड स्क्रीन पर एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो दिख जाएगा, तो वहां से आप एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 को बताने से पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी दिया था, तो आपको वो वीडियो भी लास्ट में इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। एंड आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में पूछा गया है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग अपरिमेय संख्या एंड वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों पहले हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या इसके आगे और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दशमलव
सकते हैं और दशमलव के बदले में यहाँ पर एक आ जाएगा और दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उनका जीरो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 35/10। तो यहाँ पर हमने इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया। ठीक है, इसको हमने भिन्न के रूप में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया और यहाँ पर नीचे यानी कि हर जो है इसका जीरो नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन इसमें इसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, इसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अगर आपको परिमेय संख्या के और भी डिटेल्स में वीडियो देखने हैं तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं आप रियल नंबर, जिसको हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखेंगे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। बीच में आ जाएगा आपका 1/1/2 यहाँ पर आ
आ जाएगा। ठीक है, हमने पहले रूट टू का वैल्यू देखा था, रूट टू का वैल्यू कितना आया था 1.414। जब वैल्यू कितना होता है, रूट टू का वैल्यू हमने देखा था 1.414। तो 1.414 क्या है, 1.414 इस टाइप से कुछ वैल्यू था रूट टू का। तो ये वैल्यू कहाँ पर आएगा, आप सोचिए ये वैल्यू कहाँ पर आएगा। तो ये वैल्यू ऐसा आपको पता चल रहा है कि 1.414 ये 1 के बाद ही आएगा। तो जब आप रूट टू को संख्या रेखा पर दर्शाना चाहेंगे, नंबर लाइन पर दर्शाना चाहेंगे, तो उसका वैल्यू कहाँ पर आएगा, उसका वैल्यू लगभग आएगा यहाँ पर। ठीक है, 1.414 तो यहाँ पर आएगा रूट टू। और हमने देखा था पाई का वैल्यू 314। तो 314 तो ये 3 के बाद आएगा, तो इसका वैल्यू किधर आएगा, 3 के बाद ही आएगा, इधर ही कहीं पर आएगा आपका 3.14, यानी कि पाई का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कि आप इस संख्या रेखा को आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपका प्राकृत संख्या है, इसमें आपका पूर्ण संख्या है, इसमें आपका पूर्णांक है, इसमें आपका परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सभी संख्या, सारा संख्या इसमें दिया हुआ है, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो कि मैंने इस संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया है। तो इसमें सारी संख्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक एंड परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर, इन सभी संख्याओं को मिलाकर बनता है वास्तविक संख्या। तो ये जो नंबर लाइन है, इस पूरे नंबर लाइन को हम बोलेंगे रियल नंबर लाइन। ठीक है, वास्तविक संख्या रेखा। आई होप अब आपको वास्तविक संख्या भी समझ में आ गया होगा एंड अपरिमेय संख्या भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड अपरिमेय संख्या एंड वास्तविक संख्या अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। एंड चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या है, पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है या असत्य। अपरिमेय संख्या में हमने क्या पढ़ा था कि वैसी संख्या जिसको हम पीवोटेबल के रूप में नहीं ले सकते, वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि वास्तविक संख्या जो होता है वो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय एंड अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। तो इसमें यह कह रहे हैं कि क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल, तो फर्स्ट नंबर का जो स्टेटमेंट है उसका आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या जो होता है इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसमें होता है प्राकृत संख्या, इसमें प्राकृत संख्या होता है, पूर्ण भी होता है, पूर्ण संख्या भी होता है, और पूर्णांक भी होता है, परिमेय भी इसमें होता है, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है, और अपरिमेय संख्या भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में ये सारी संख्याएं शामिल होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है जो इसमें कह रहे हैं कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या किसके अंदर आता है, ये वास्तविक संख्या के अंदर ही आता है, तो इसलिए ये कथन सत्य होगा। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 2। सेकंड नंबर पे कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये बनाया हमने संख्या रेखा, ये 0, 1, 2, 3, -1, -2 एंड -3। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं इसमें, ये कह रहा है कि इसमें रूट m जो है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, और इसमें जहां एम एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है भाई, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। अब मान लीजिए कि ये देखिए 4, ये भी है प्राकृत संख्या, 1, 2, 3 ये सब क्या है, ये प्राकृत संख्या है। तो क्या हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। अब जैसे कि ये देखिए रूट टू है, रूट टू को हम रूट टू लिख सकते हैं। 4 जो है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट में अगर लिखना हो तो इसको हम रूट 16 लिख सकते हैं। अब देखिए रूट 16 जो है, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, और जहां पर एम एक प्राकृत संख्या है। तो ये सेकेंड नंबर का जो स्टेटमेंट है, ये भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका सत्य, ये भी सत्य हो जाएगा। चलिए स्टेटमेंट नंबर 3 में यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए इसको समझिए, यहाँ पर हमने लिखा जीरो, हमने लिखा वन, हमने लिखा टू, और हमने लिखा माइनस टू, माइनस वन, वन बाय टू, वन बाय वन, रूट टू, रूट सिक्सटीन, ये सारी चीज हमने यहाँ पर लिखा। अभी यहाँ पर ये बताइए कि ये सारी कौन कौन सी संख्याएं हैं, क्या हम इस पूरे इस संख्या के संग्रह को हम क्या हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, इस संख्या के संग्रह को हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की संख्याएं हैं, इसमें प्राकृत संख्या है, इसमें पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, तो वास्तविक संख्या के अंदर ये सारी ही संख्याएं आती है। हमें ये पूछा है इस क्वेश्चन में क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। असत्य कैसे हो जाएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, वास्तविक संख्या तो ये भी है लेकिन ये क्या है, ये पूर्णांक, ठीक है, ये वास्तविक संख्या ये भी है, वास्तविक संख्या में ये भी आता है लेकिन ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है, वास्तविक संख्या तो ये भी है लेकिन ये क्या है, ये प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या है, वास्तविक संख्या तो ये भी है लेकिन ये क्या है, ये प्राकृत संख्या भी है, ये पूर्ण संख्या भी है और ये पूर्णांक भी है, ठीक है, वास्तविक संख्या तो ये भी है लेकिन ये क्या है, पूर्णांक और परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, इनमें से कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या क्या है, ये दोनों ही अपरिमेय संख्या है, इसमें ये दोनों संख्या ही अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या जरूर होता है, ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में सारा चीज आता है, संख्या आपका प्राकृत संख्या भी हो सकता है, आपका पूर्ण संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक भी आपका वास्तविक संख्या ही कहलाएगा, परिमेय संख्या भी आपका वास्तविक संख्या ही कहलाएगा, तो इसका स्टेटमेंट जो ये बिल्कुल गलत है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य। एंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर वन समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रश्न क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर आप डीएम कर सकते हैं, एंड चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, एंड अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं, एंड चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।